हेलो दोस्तों, आज हम आए फिर से एक नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। बड़े दिनों के बाद फिर से एक नई वीडियो आई है और आज हम बनाने वाले हैं अरहर की दाल। और दिखाते हैं आपको वीडियो, फटाफट स्टार्ट करते वीडियो। फिर तो गाइस, ये हमने दाल ले ली है। तो गाइस, ये हमने 100 ग्राम दाल ले ली है और अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं, उबालते हैं। तो गाइस, ये हमने कुकर में दाल डाली है 100 ग्राम और अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। तो गाइस, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। ये गाइस, हमने 4 गिलास उसमें पानी डाल दिया है 100 ग्राम अरहर की दाल में। और अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी। तो चलो गाइस, अब हम इसे ढक देते हैं। तो गाइस, अब हम इसे ढक रहे हैं आधा घंटा। गाइस, अब ये पक जाएगी जब तक। तो गाइस, ये हमने 4 से 7 लहसुन की कली ले ली है और 4-5 हरी मिर्च और 1 प्याज और 1 टमाटर ले लिया है। और अब हम इनको काट लेते हैं, दाल फ्राई करेंगे। चलो गाइस, टमाटर काट लेते हैं। तो गाइस, ये हमने प्याज लहसुन हरी मिर्च काट लिया है और ये जीरा और ये हींग भी ले ली हमने। आधा टीस्पून हमने जीरा लिया है और थोड़ी सी हींग ली है MDH की। और ये हमने 1 प्याज काट लिया है और टमाटर भी काट, ये रहा टमाटर गाइस। ये 1 टमाटर हमने काट लिया, 1 प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 7 से 5 हरी मिर्च और जीरा और हींग। चलो फिर अब दाल फ्राई करते हैं और दाल हमारी पकने वाली है थोड़ी सी देर में गाइस। तो गाइस, ये हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम दाल खोल लेते हैं ढक्कन। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी दाल बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है और अब इसे बस फ्राई करना बाकी है। बिल्कुल सही तरीके से दाल पक चुकी है हमारी। तो गाइस, ये हमने फ्राई पैन ले लिया अब दाल फ्राई करने के लिए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल। फ्राई पैन हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हमने 1 चम्मच इसमें तेल डाला है सरसों का। आप चाहे तो घी से भी फ्राई कर सकते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तो गाइस, अब हम हमारा तेल भुन चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। हमने लहसुन डाल दिया है कटा हुआ। जब तक लहसुन हमारा भुन रहा है, तो गाइस, ये हमारा लहसुन भुन चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। ये हमने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है इसमें। और गाइस, अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज कटा हुआ। और अब हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च। अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग थोड़ी सी। हमने MDH की हींग डाल दी इसमें। MDH गाइस, अब हम इसे चला लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारे प्याज लहसुन मिर्च भुंज जाए, मतलब फ्राई हो जाए। तो गाइस, अब हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर कटा हुआ। हमने टमाटर डाल दिया इसमें कटा हुआ। इसको 5 से 10 मिनट चलाएंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। और गाइस, अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए और जल्दी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, टमाटर धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं इसी में।
तो गाइस ये हमारे टमाटर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं इसमें, और अब हम दाल फ्राई करेंगे। अब हम दाल को इसमें डालेंगे। ये देखो गाइस, अब हम इसमें दाल डाल दी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी दाल पूरी तरह फ्राई हो चुकी है अब बता। तो गाइस अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। तो गाइस अब हमने इसमें धनिया डाल दिया है, इसको चला देते हैं अच्छी तरीके से। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, दाल पूरी अच्छी तरीके से पक चुकी है, अरहर की दाल। ये देखो गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी अरहर की दाल बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। और ये देखो गाइस कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है गाइस। और आप भी अपने घर में बनाइए, सभी को खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, अरहर की दाल बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। और आप भी अपने घर में बनाइए, सभी को खिलाइए। और मिलते हैं आपको किसी अब नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ज़रूर, और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें भी पता चले कि आप भी अपने घर में बना रहे हो। और हम भी कमेंट में ज़रूर बताएं, बस आपसे यही कहना है। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो एंड नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।